नमस्कार, एक बार फिर शनिवार है और एक बार फिर आप सभी के सामने मैं कावेन चौहान हूं प्रोग्राम आवाज के साथ। फिलहाल अभी भी देश की हवाओं में वो अनजान दुश्मन जो है वो बसर कर रहा है। इंसानियत की करोड़ों अरबों तारीखों में यह अजीबो गरीब वक्त है जिसे हम सब गुजर रहे हैं। इससे पहले ना तो ऐसा हुआ और ना ही आगे कभी ऐसा होगा कि जहां तमाम स्वास्थ्य एजेंसियां होते हुए, टेक्नोलॉजी होते हुए, तमाम साधन होते हुए, तमाम डॉक्टर साइंटिस्ट होने के बावजूद गांव से लेकर ग्लोबल तक सब घुटनों पर है। भारत हो या हर संसाधनों से लैस अमेरिका, हर जगह हमने एयरलाइंस से लेकर तमाम होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट तक बंद होते देखा। लाखों करोड़ों की जो ये मेडिकल इंडस्ट्री है हर तरह से जैसे लाचार नजर आती है। इस मंजर का चश्मदीद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। ये अजीबोगरीब मंजर है और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। और वक्त वक्त पर इस लहर के हवाले से भी जो चीज़ें देखी गईं, जो हुआ, उस पर आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का देखिए कहना है कि ये एक अदृश्य दुश्मन है जिससे हम सबको लड़ना है, एक साथ खड़े होना है। कई मरतबा इस तरह के सवाल भी उठते हैं कि सरकारों ने शायद सही काम नहीं किया, सरकारों ने शायद सही दिशा में वो चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। लेकिन जब सभी देश कोरोना के कोहराम से परेशान दिखे हो तो ज़रूरत है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सभी साथ आए और सभी मिलजुल कर इसका मुकाबला करें। कोरोना की दूसरी लहर में चारों ओर भारत में विलुप्त हो चुके गिद्ध नजर आ रहे हैं। इलाज के लिए जरूरी दवाओं, मेडिकल उपकरणों, एम्बुलेंस, शमशान तक में ऐसे गिद्ध लोगों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम मैसेज तैर रहे हैं जिनमें कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में तो केवल जान जाएगी, प्राइवेट अस्पताल गए तो जान के साथ साथ जमीन और जायदाद भी जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं के लिए ये गिद्ध हजारों से लेकर लाखों तक लोगों से लूट रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए 15,000 तक वसूलने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और शमशान में अंतिम संस्कार के नाम पर भी चौतरफा लूट मची है। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में वो बच्चा किसी घर के किसी कोने में, किसी आंगन में रो रहा है। वो बच्चा सड़क किनारे खड़े किसी पेड़ के नीचे गुमसुम बैठा है जिसके माता पिता को इस कोरोना ने उससे छीन लिया। उसको तो इस बात का इल्म होना भी मुश्किल है कि राजनीति क्या, वैक्सीन क्या, कमी क्या, दवाई क्या, ढिलाई क्या। उसे पता है तो बस ये कि रात का निवाला अब उसे मां नहीं खिलाएगी। पिता बात तो क्या, अब डांट भी नहीं लगाएगा। डर भी गए तो कोई कंधा नहीं है, छिप भी जाएं तो कोई पल्लू नहीं है, बीमार भी हो जाऊं तो कोई गोद नहीं है। ये बच्चे किसे बताएं अपना दुख, किसे बताएं अपना दर्द, ये बच्चे किस पर इल्जाम लगाएं, ये बच्चे किसका गिरेबां पकड़ें, ये बच्चे कहां शिकायत करें, ये बच्चे क्या जाने हेल्पलाइन का व्यस्त होना, ये बच्चे क्या जाने आंकड़ों की हेराफेरी, ये बच्चे क्या जाने कि कैसे जी जाती है जिंदगी। लेकिन शुक्र है कि आज भी इस दुख को समझने वाले जिंदा हैं, शुक्र है कि इस दुख को महसूस करने वाले जिंदा हैं, शुक्र है कि इंसानियत जिंदा है। प्रोग्राम आवाज के हवाले से जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि उनका क्या जो आंधी की जद में आए, उनका क्या कि जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, उन बच्चों का क्या कि जिनके माता पिता कोरोना से जंग हार गए, उन बच्चों का आखिर क्या। तो ऐसे में उन बच्चों की मदद करना हम सभी का फर्ज है और उनकी सहायता के लिए जहां कई एनजीओ से लेकर तमाम संगठन सामने आए हैं, तो ऐसी ही एक संस्था है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जो इन बच्चों के लिए भगवान बनकर सामने आई है। हम सरकार से लेकर ऐसी संस्थाओं की खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पैकेज देख लीजिए। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिन परिवारों के घरों में कल तक खुशियों का उजाला था, आज वहां गमों का अंधेरा है।
जिन परिवारों में कल तक किलकारियां गूंज रही थी, उसी घर में आज बच्चे गुमसुम बैठे हैं। ऐसे ही बच्चों के जीवन में आए इस तूफान में उनकी मदद के लिए कई एनजीओ से लेकर संस्थाएं और सरकार अब सामने आई है। इन सरकारों ने इनके भविष्य के बारे में सोचा है और उम्मीद है जल्द ही देश के सभी राज्यों की सरकार इस अंधेरे की ओर भी देख सकेंगी। हमारी सरकारों को अभी चौतरफा लड़ाई लड़नी है और जीतनी भी है। अनाथ बच्चों का सहारा बनी सरकार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता की कोरोना के चलते मौत हुई है, उनके बीच मानव तस्करी और अपराध का ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे अनाथ बच्चों को राज्य सरकारें संरक्षण दें। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थान भी इस काम में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं कि जिनके माता पिता की कोरोना के चलते मौत हो गई, अब उनके पास सर ढकने के लिए कोई सहारा नहीं है। 18 साल से इन कम उम्र के बच्चों को सरकार की तरफ से हर मदद की जाएगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनकी सभी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी योगी सरकार लेगी। इसी के साथ दिल्ली सरकार भी सहारा बनने के लिए इसी कड़ी में शामिल हो चुकी है। अनाथ बच्चों को 2500 रुपए माह देगी केजरीवाल सरकार। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 2500 रुपए हर माह दिए जाएंगे उस बच्चे को कि जिसने अपने माता पिता को इस कोरोना काल में खो दिया, और ये रुपए उनको 25 साल की उम्र तक दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देगी केजरीवाल सरकार। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक और बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे में हर बच्चे को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक। इसी के साथ सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा ने भी कहा है कि नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दिलाई जाए, ऐसा उन्होंने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि राष्ट्र के तौर पर यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ हम कैसे न्याय करेंगे। इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जैसे कि इस पैकेज के जरिए मैंने आपको वो जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की कि शायद जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि किस तरह से आपकी सरकारें आपके लिए काम कर रही हैं, किस तरीके से आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इस अजीबोगरीब माहौल से ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई तालुका नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो अछूता हो। इस बिन बुलाए दुश्मन से पूरी दुनिया दो दो हाथ कर रही है। लेकिन कोरोना से लड़ाई तो है ही, इसके साथ ही हम आपस में एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, इस बात को कई सदियों तक देखिएगा याद रखा जाएगा। हमारे बच्चे इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि इस जंगी वक्त में कौन कितना आगे आकर लड़ा और किसने इस लड़ाई से मुंह फेर लिया था। बाकी ये प्रोग्राम जो कोरोना के हवाले से था, इनमें मैंने हाथ जोड़कर उन लोगों से धन्यवाद देना है। उन लोगों का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों, चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे वो हमारे पुलिस के जवान हों, सभी का धन्यवाद है। ध्यान रखिए, सदियों तक इस आफत की बात की जाएगी, तो कोशिश कीजिए कि लोगों की मदद कीजिए और तारीखों में अपना नाम लिखवाइए। और मैं चाहता हूं कि जब भी इस वक्त की बात हो ना, इस आफत की किस्से कहानियां जब भी आगे चलकर हमारी अगली नस्लें, हमारी पीढ़ियां जब अपने बच्चों को सुनाएं, तो उन कहानियों के जरिए बात की जाए कि जब इस देश में आफत आई थी तो भारतीय लोगों का नाम बड़ा ऊपर रखा जाए, बड़ा फख्र के साथ लिया जाए, कि जब भी इस आफत की बात हो पूरी दुनिया में, जब भी इस आफत का इल्म हो, जब भी इस आफत की जानकारियां हो, जब भी इस आफत के बारे में किताबों में लिखा जाए, जब भी पढ़ा जाए, तो दुनिया में भारत की बात जरूर हो। और भारतीय ऐसे लोग थे, इस तरीके से बात की जाए कि जो भारतीय थे वो ऐसी एक कौम थी, ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आफत में शानदार तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की मदद की और बहुत हिम्मत के साथ कोरोना जैसे
अनजान लेकिन ताकतवर दुश्मन को मात दी। बाकी खत्म करने से पहले एक बात, देखिए कोरोना तो है ही, इससे किसी भी तरह से इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। हम सभी को इस अदृश्य दुश्मन को पराजित करना ही है। बाकी जिनको हो भी जाए तो इसको इस हद तक बिना ले जाएं कि जिंदगी अवसाद से ज्यादा भर जाए। बात सीधी और साफ है, हम कोविड की चुनौती का सामना पॉजिटिव होकर ही कर सकते हैं। पॉजिटिव समझ रहे हैं, वो वाला पॉजिटिव। यूं भी फिल्म आनंद ने सिखाया है कि मौत तो आनी है लेकिन हम जीना नहीं छोड़ सकते। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जय हिंद।